होगा अत्याचार, आप देखेंगे सिर्फ समाचार। नमस्कार मित्रों, मैं आपके साथ सुनैना, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज 24। तो चलिए चलते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। गुड़सराय ब्लॉक में त्रिवेणी प्रेरणा मेला संकुल समिति क्लस्टर का उद्घाटन किया गया। मुख्य अतिथि उपायुक्त स्वतः रोजगार नागेंद्र नारायण मिश्रा और डीएमएम नन्नेराम ने फीता काट कर किया। एडीओ जीवन लाल दुबे, पीएनवी मैनेजर अशोक कुमार, सर्व यूपी मैनेजर अजीत कुमार शुक्ला, बीएमएम अरविंद सिंह, बुंदेला प्रेम सिंह चौहान, तनुज खेरा, आजाद गौतम, पीआरपी शकील खान, पीआरपी सहनाज बेगम, वाईपीआर ज्ञान सिंह उपस्थित रहे। इस क्लस्टर में 16 गांव के ग्राम संगठनों को एकत्रित किया गया। क्लस्टर में 95 संगठन एवं 1140 महिलाएं शामिल हुई। इस क्लस्टर को चलाने के लिए 5 पदाधिकारी चुने गए। इन पदाधिकारियों को 7 दिवसीय प्रशिक्षण भी दिया गया। परीक्षक देने के लिए हैदराबाद की महिलाओं का सहयोग रहा। इस क्लस्टर की महिलाओं ने रैली का आयोजन किया। रैली ब्लॉक से चलकर मोदी चौराहा, मोदी चौराहे से गरोटा चौराहे से होकर ब्लॉक में वापस आए। एलएन मिश्रा जी ने सभी को तन मन से काम करने को कहा। सभी पदाधिकारियों ने मुख्य अतिथियों को तिलक एवं माला पहनाकर सम्मानित किया। एलएन मिश्रा ने सभी महिलाओं को क्लस्टर के बारे में बताया। इस कार्यक्रम में ब्लॉक के सभी बीआरपी उपस्थित रहे। वरुण को सही तरीके से काम करने को कहा। नन्हे राम ने बताया कि अब आप लोगों के हाथ में है 16 गांव का भविष्य। एडीओ साहब जी ने बताया कि जो महिला अनपढ़ और बेरोजगार थी, उन महिलाओं को आज से रोजगार मिल गया। पीआरपी सहनाज बेगम ने बताया कि महिला शक्तिशाली होती है, वे अपने अधिकार को जानती है। एनएन मिश्रा और पीएनवी मैनेजर जी ने 5 पदाधिकारियों को बैंक पासबुक देकर सम्मानित किया। रिपोर्टर कमलेश कुमार, हिंदुस्तान न्यूज 24।